नशा मुक्त अभियान। सीमांत तहसील में नशा मुक्त गांव की घोषणा करने वाले प्रथम गांव गिरगांव को आज समारोह में जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने गोद ले लिया है। इस गांव में आज से ही महिला स्वयं सहायता समूह को रोजगार से जोड़ने की पहल भी शुरू हो गई। क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी ने 6 माह नशा मुक्ति पर कायम रहते हुए मिसाल कायम करने पर गाँव के विकास के लिए 10 लाख रूपए देने की घोषणा की। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया की अपील ने 1 सप्ताह के भीतर अपना असर दिखा दिया। बीते 31 मई को गिरगांव की ग्राम प्रधान हंसा दोबड़िया की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया, गांव में होने वाले किसी भी समारोह में नशे पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। नशा करने वालों को 500 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस फैसले के बाद अचानक उत्तराखण्ड में सीमांत का एक गाँव गिरगांव चर्चा में आ गया। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने नशा मुक्त ग्राम पंचायतों के लिए की गयी घोषणा के अनुसार आज गिरगांव पहुंचकर आम जनता के साथ बैठक की। नवभारत समाचार पिथौरागढ़ से त्रिभुवन जोशी की रिपोर्ट। जी हम जो दर हर बंद कंसानो और नान बेटी ठूल तक सब बिगड़ नान और हम दुकान घर सब जाग जो बंद कन तैयार हो और बाहर भी लोग बरियार में हम थे रोजगार थे हर जाग बंद लैंटर ड्यू दीवाब जा भात बरियार जो हो नान हान सब चीज में बंद हो और जहाँ परिवार में मिल जाल जगह में मिल जाल जब वहाँ जरूर न कर रहा है और हर घर घर जाने हैं मास गांव में गांव सुधारने के लिए बिल्कुल बिल्कुल दिन भर भूखे प्यासे पड़े हैं अभी भी शाम तक घूमते रहेंगे। धन्यवाद। जैसे जीतेंगे वो जैसे खड़े हुए हैं वैसे जीतेंगे। कदम उठा लिया है छोड़ेंगे नीचे नीचे नहीं हटेंगे। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? नशा बंद कर रहे हैं अपने गांव में। हमारे छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे गरीब महिलाएं परेशान हो रहे हैं नशाबंदी कर रहे हैं। गांव-गांव में घूम रहे हैं हम। ये तो बहुत